हेलो एवरीवन। तो गाइस, मैं हूँ मंजू और मंजू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी बैंगन के भरते की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार अगर आपने इस तरह से बैंगन का भरता बना लिया ना, तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त टेस्टी ये बैंगन का भरता बनता है। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करना। इससे क्या होगा, आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले लेंगे बैंगन। तो आप देख सकते हैं मैंने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के बैंगन हैं मेरे पास, बिल्कुल फ्रेश बैंगन है। तो आपको भरते के लिए बड़े साइज़ के और बिल्कुल फ्रेश बैंगन का ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले बैंगन के बीच में हम कट लगाएंगे। तो इस तरीके से आप कट लगा ले, इससे क्या होगा आपको पता भी चल जाएगा कि बैंगन अंदर से ख़राब है या सही है। तो आप इस तरह से देख लें, एक बार बैंगन को अंदर से चेक कर ले। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें कीड़े हैं या नहीं, और दूसरा ये बहुत ही अच्छे से भुनकर भी तैयार होगा। तो इस तरीके से आप दो चीरे लगा दें, आपको फुल चीरा नहीं लगाना है, ओनली बीच में से ही चीरा लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ बीच में इसकी चीरा लगाया है दो साइड में। अब मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ लिए 6 से 7, इन्हें बीच में हम इसके इंसर्ट कर देंगे, बीच में हम इसके डाल देंगे। इससे क्या होगा, लहसुन की कलियाँ भी अच्छे से भुन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर डाल दें लहसुन की कलियाँ। तो लगभग 7 से 8 ही लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ यूज़ की है, ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप कट लगा दें और लहसुन की कलियाँ इसमें डाल दें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने दूसरा बैंगन भी यहाँ ले लिया है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है हमारा बैंगन, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा बैंगन निकला है। इसी तरीके से हम बैंगन तैयार करेंगे। तो इस बैंगन में मैं मिर्चियाँ डाल रही हूँ, तो मैंने 2 मिर्ची इस बैंगन में डाली है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से 2 मिर्ची हम लगा लेंगे, इससे हमारी मिर्चियाँ भी बहुत ही अच्छे से बुनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बैंगन में मिर्चियाँ लगा कर तैयार कर ली है। इसी तरीके से मैं तीसरे बैंगन में भी कट लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तीसरा बैंगन भी ले लिया है, इसमें भी हम कट लगा कर देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला बैंगन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से इसमें भी 2 चीरे लगाएंगे और इसमें भी हम जो बचे हुए लहसुन है वो सारे के सारे लहसुन हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने सारे लहसुन इसके अंदर डाल दिए हैं। इसी तरीके से हमारे सारे बैंगन तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सारे बैंगन मैंने तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको भूनेंगे। तो इनको भूनने के साथ ही मैं इसमें भूनूंगी 2 मिर्ची। 2 मिर्ची मैंने यहाँ ली है, 2 मिर्ची मैंने इसके अंदर डाली है बैंगन के अंदर, 2 मिर्ची मैं अलग से इसके अंदर भूनूंगी। इसी के साथ मैंने यहाँ लिए हैं 2 टमाटर। तो आप देख सकते हैं 2 टमाटरों को भी हम अच्छे से इसके साथ भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ अच्छे से तैयार हुई। अब गैस पर रखी मैंने एक जाली, इसमें मैं लगा रही हूँ बैंगन। तो अच्छे से हम सभी चीज़ें इसके ऊपर भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैंगन और टमाटर और मिर्चियाँ मैंने इसके ऊपर रख दी है। मिर्चियाँ बहुत ही जल्दी से भुन जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो इस तरीके से आप अलटते पलटते इन सभी चीज़ों को सेक लें। तो आप देख सकते हैं मिर्चियाँ तो हमारी बहुत ही जल्दी से भुन चुकी है। तो मिर्चियाँ तो भुन चुकी है, इनको हम अलग निकाल लेते हैं। तो अब बैंगन और टमाटर को भी हमें अच्छे से पलट पलट के भूनना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से भुन रहे हैं। आप चाहें तो बैंगन के ऊपर तेल भी लगा सकते हैं, इससे भी इसका जो छिलका होता है ना वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, बट मैंने यहाँ नहीं लगाया है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसे भी इसका छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। एक बैंगन हमारा सिक चुका है, इसे मैंने अलग कर लिया है। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन रहे हैं, ऐसे फिर से पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ देसी टमाटर का यूज़ किया है। अगर आप सलाद वाले टमाटर का यूज़ करें तो फिर आपको यहाँ 4 टमाटर लेने होंगे इतनी क्वांटिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं दूसरा बैंगन भी हमारा सिक चुका है, टमाटर भी मैंने निकाल लिया है। अब दूसरा टमाटर भी हमारा सिक चुका है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन चुकी है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो सारी चीज़ें मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब आप देख सकते हैं हरी मिर्ची का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम निकाल देंगे, डंठल वाला पार्ट, और इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम टमाटर के छिलकों को भी बिल्कुल रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से टमाटर हमारे भुन चुके हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाता है। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी हल्के हल्के गर्म है, आपको इसके अंदर धुआं नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो बिल्कुल ठंडा करके इनको छील सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो बैंगन है उनके छिलके भी रिमूव हो रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इनको भूना है, बहुत ही अच्छे से हमने सभी चीज़ों को कुक किया है। अब हमने जो लहसुन की कलियाँ इनके अंदर लगाई थी आप देख सकते हैं उनको भी अच्छे से निकाल देंगे।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैंगन अच्छे से छिल चुका है। इसके ऊपर वाला जो डंठल वाला पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं बैंगन हमारा छिल चुका है। इसी तरीके से हम सारे बैंगन छिल कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमको बिल्कुल अच्छे से इनका छिलका उतारना है, बट हमें इनको वॉश नहीं करना है, बस इनका छिलका रिमूव करना है। अगर आपने इनको वॉश कर लिया तो इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो स्मोकी फ्लेवर खत्म हो जाएगा धोने से, और बैंगनों के साथ साथ इसका टेस्ट भी धुल जाएगा। फिर वो टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं आएगा जो बैंगन के भरते में आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, आप सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से भून कर उन्हें सिर्फ छीलें, उसको आपको वॉश नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो तो ख़त्म ही हो जाता है, फिर वो भरते में जो टेस्ट आएगा ना, वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो अब सब चीज़ों को हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को कट कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में सभी चीज़ों को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ मेशर, तो मेशर से इसे हमें मेश करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसे मिक्सी में नहीं चलाना है, क्योंकि मिक्सी में क्या होता है ना, ये बिल्कुल पेस्ट में बन जाता है, फिर वो भरते में टेस्ट आएगा वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें, या तो फिर आप मेशर से या फिर जो फोक आता है उससे आप इसको मेश कर सकते हैं, लेकिन जिसके जो चंक्स है ना वो रहने चाहिए। थोड़े बहुत जो चंक्स आते हैं ना मुंह में खाते वक्त, उसी से ही तो भरते का टेस्ट आता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो थोड़ा सा मैंने इसे मेश किया। मेश करने के बाद अब मैंने गैस पर रखी एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 बड़ा चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से बहुत ही शानदार टेस्ट आता है भरते में। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून जीरा। तो नॉर्मल जीरा मैंने यहाँ यूज़ किया है। इसे अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें डाली 1/4 टीस्पून हींग। दोनों को अच्छे से पकने के बाद इसमें मैंने डाला है 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक कट करना है, आपको इनका पेस्ट नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं प्याज हल्के से ब्राउन हुए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। जब हल्के से ही ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून ही लाल मिर्ची का पाउडर। नॉर्मल लाल मिर्ची मैंने यहाँ यूज़ की है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। गैस की फ्लेम को मसाला डालते समय आप बिल्कुल स्लो रखें, और स्लो फ्लेम पर मसाले को कुछ सेकंड तक ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मसाला आपका जल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। मसाला हल्का सा कुक हुआ, इसमें मैंने डाल दिया है बैंगन और टमाटर वाला पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था भूनकर। तो सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं डाला है नमक। नमक अभी तक हमने मसाले में ऐड नहीं किया था, तो इस टाइम पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से नमक को मिक्स किया, तो आप देख सकते हैं इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे ढककर पकाएंगे स्लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपने इसमें पानी ऐड कर दिया तो स्मोकी फ्लेवर इसका खत्म हो जाएगा, जो भरते में असली टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। गैस की फ्लेम को कर दिया मैंने बंद। लास्ट में मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। इसी के साथ मैंने इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाला है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर गर्म मसाला पाउडर डाल सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो बनकर रेडी हमारा बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बैंगन का भरता। तो गर्मा गर्म बैंगन के भरते को आप सिंपल रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी खाएं, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हमारा भरता बनता है फ्रेंड्स। और आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कॉमन से मसालों के साथ हमने इसको बनाया है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही शानदार बना है। तो थोड़े से मैंने इसके ऊपर प्याज डाले, थोड़े से मैंने धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची से इसे गार्निश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा भरता बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो फ्रेंड्स वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।